हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अपनी कुछ छोटी सी जो थोड़ी सी कटिंग्स लगाई मैंने अभी कुछ टाइम पहले, मैं उन्हीं के अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे गार्डन में कुछ फूल खिल रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारे से हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, ये मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस है जो हमेशा खिलता रहता है, इसमें खूब सारे फूल आते रहते हैं। ये लैंटाना है और ये मिनिएचर हिबिस्कस है और ये सारे मेरे हाइब्रिड विनका हैं जो कि मेरे लास्ट ईयर के प्लांट हैं, यानी मैंने इनको 5 में सीड से ग्रो किया था। और यहाँ पे मेरे पिंटास के प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। और इधर भी देखिए, सारे पिंटास हैं। पिंटास से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, पूरा परमानेंट प्लांट होता है और काफ़ी ज़्यादा यानी ब्लूमिंग करता है। ये देखिए, एक जोरा है, बहुत ही ब्यूटीफुल से इसका देखिए बंच में फ्लावर आया है और काफ़ी दिनों तक इसके फ्लावर टिके रहते हैं। इसमें कम से कम तो 100 से ज़्यादा फ्लावर होंगे, इतने ज़्यादा यानी छोटे छोटे से फ्लावर हैं इसके। ये एक वाइट एक जोरा है, इसमें देखिए कितनी सारी कलियाँ इसमें फिर से आ गई हैं। और यहाँ मेरे देखिए, ये हिबिस्कस रेड कलर का है, बहुत प्यारा सा फूल इसमें आता है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आपसे सबसे पहले तो मैं अपने क्रिसेंथियम के प्लांट को दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे सभी यानी कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं और मैंने इनकी अपडेट पहले भी आप लोगों को दी है। और देखिए, अभी कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इनकी पिंचिंग बहुत ही ज़रूरी है जो आपको करनी है। यानी लगभग जब आपके प्लांट में 3-5 पत्तियां हो जाएं तो आप इनकी पिंचिंग शुरू कर दें तो काफ़ी अच्छे से यानी ग्रो होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं प्लांट। तो ये सारे मेरे क्रिसेंथियम हैं जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं और सब मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है। ये देखिए, एक प्लांट मेरा ये कटिंग से लगा हुआ लैंटाना का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है और देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरा मेरा ये टिकोमा का प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ, और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। इसमें कल तक फ्लावर आए थे, आज झड़ गई। देखिए यहाँ पे फिर से कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। और ये भी मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट है जो मैंने मैरीगोल्ड के प्लांट लगाए थे, कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, काफ़ी अच्छे हेल्दी हो गए हैं और ये मेरे सीड से ग्रो हुए हैं। इनके मैंने ऊपर की टिप को फिर से कट करके कटिंग लगा दी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगी। तो ये सारे मेरे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। यहाँ पर देखिए, मेरा हाइब्रिड विनका का प्लांट, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यानी फ्लावरिंग पर भी आ गया है। और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। ये देखिए, इतनी मोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी बीच की ब्रांच, तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, आप हाइब्रिड विनका को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और एक प्लांट और ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये भी कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। और मैं आपको रूट्स भी निकाल कर दिखा देती, लेकिन अभी मैंने मिट्टी वगैरह तैयार नहीं की है, मैं इसको शिफ्ट करूँगी गमले में, उस दिन मैं आप लोग के साथ फिर शेयर करूँगी। तो काफ़ी अच्छी, अगर रूट्स नहीं आई होती तो इसमें फ्लावरिंग भी नहीं करता और इतनी सारी ब्रांच भी नहीं निकलती। सब न्यू ब्रांच देखिए निकल कर आई हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने ऐसी ब्रांच एक लैंटाना की टूट गई थी, उसको भी यहाँ पे ऐसी लगा दिया था, तो ये भी लग गई है। ये देखिए, और मेरे एक जोरा की एक ब्रांच टूट गई थी तो उसको भी मैंने कटिंग से लगा दिया था, ये वाली ब्रांच को। ये देखिए, अलग से लगी हुई है, तो ये कटिंग भी मेरी बहुत अच्छी रूट्स डेवलप हो गई थी। तो मेरे पास गमला नहीं था तो मैंने इसी का एक साइड खाली था, तो इसी में फिर से इसको लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए, मैंने पिंटास की कुछ कटिंग लगाई है, बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, इनमें सभी भी रूट्स आ गई। देखिए, इसमें फ्लावर बर्ड्स भी बनना शुरू हो गई है। यहाँ मैंने कैलेंडुला का जो सीडलिंग थी मेरी, वो ख़राब हो गई थी, बिल्कुल गल गई थी नीचे से, तो मैंने उसको भी ऐसे ही लगा दी। मुझे लगा भी नहीं था ये लग जाएगी, लेकिन देखिए ये भी लग गई है और इसमें भी रूट्स आ गई हैं, तो काफ़ी अच्छे से यानी ग्रो हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने जेट प्लांट की कटिंग लगाई है, ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। कितने सारे प्लांट देखिए हो गए, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी आप लगा देते हैं तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाती हैं और खूब अच्छी इनमें रूट्स भी आ गई हैं। और यहाँ पर देखिए, ये तो मेरे हाइब्रिड देसी हिबिस्कस हैं, इनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है और बहुत ज़्यादा इनमें रूट्स आई हुई हैं। तो मैं इनको लगभग रिपोर्ट करना है मुझे, ये देखिए इस तरह से कितने ज़्यादा इसमें रूट्स डेवलप हुई हैं। तो मैं इसको आज रिपोर्ट कर दूँगी, इस प्लांट को भी। मैंने कुछ प्लांट अपने रिपोर्ट कर लिए हैं। और ये देखिए, मेरी अलमंडा की कटिंग, मैं इन सब की मिट्टी तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं इन सबको निकाल कर फिर आपको दिखा दूँगी। ये देखिए, ये मेरी पिंटास की कटिंग है, देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई है बिल्कुल ये, और इन सबको मैं रिपोर्ट कर दूँगी फिर आज। और यहाँ मैंने एक मिनिएचर हिबिस्कस की कटिंग लगाई है, ये भी देखिए ग्रो हो गई है, बहुत अच्छे से ग्रो हो गई, इसमें भी कलियाँ बननी शुरू हो गई यहाँ पे देखिए। तो ये मेरे कुछ कटिंग्स हैं जो इधर मैंने सीडियम की कटिंग लगाई है, ये भी देखिए अच्छे से चल गई हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मैरीगोल्ड है जो मैंने अभी जो आपको प्लांट दिखाए थे उन्हीं के ऊपर की टिप को कट करके इनको लगाया था और इनकी भी रूट्स आ गई है। तो मैं इसको भी आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, क्योंकि इन सबको मैं रिपोर्ट करूँगी। तो अभी कम से कम सिर्फ एक हफ्ते हुए हैं और आप देख सकते हैं इसकी रूट्स, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यानी डेवलप हुई है। और मैंने कोकोपीट और सैंड में इसकी कटिंग को लगाया था, तो मैरीगोल्ड बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप इसको यानी इस तरह से कटिंग से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मेरे हाइब्रिड वेराइटी के मैरीगोल्ड हैं जो कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं,
यहाँ पे देखिए ये वाला एग्लोनीमा भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, इसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी। एक प्लांट मेरा और थोड़ी रूट्स ख़राब हो गई थी तो इसको मैंने कटिंग लगाई है। अभी इसमें रूट्स पता नहीं आई हैं कि नहीं आई, मैं अभी इसको आपको निकाल कर नहीं दिखाऊँगी। और बाकी तो ये देखिए, और इसी तरह मैंने अडेनियम भी बहुत सारे कटिंग से लगाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा है नहीं मेरे पास, कटिंग तैयार हो गई। ये देखिए यहाँ पे लंटाना की एक कटिंग और तैयार हो गई है, ये देखिए। और कुछ प्लांट मैं आपको वेडेलिया के दिखा देती हूँ, ये देखिए ये कटिंग से मैंने ग्रो की थी वेडेलिया के प्लांट, समर का फ्लावरिंग प्लांट और बहुत सुंदर से फूल इसमें आता है, येलो कलर के प्यारे प्यारे से फूल आते हैं इनमें, और हैंगिंग बास्केट पर लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसमें सब में रूट्स आ गए थे तो मैंने इसको एक हैंगिंग बास्केट अपने से ही बना करके, ये देखिए इस तरह से माइक्रम की डोरी से थोड़ा सा यानी ये दो तीन नॉट बांध करके मैंने इसको हैंग कर दिया है। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। ये सब टर्टल वन की कटिंग है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो प्लीज़ बताइएगा आपको मेरा यानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।